हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और बहुत ही डीप तरीके से हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके पीछे से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जो भी फैक्ट है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और बहुत सुंदर तरीके से मैंने कंटेंट को डिजाइन करा है और आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपसे मेरी यही विनती है, आप अपना प्यार सपोर्ट दीजिए हमको, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जहाँ तक भी हो सकता है वहाँ तक शेयर करो। और चैनल को, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे और आपकी जो एक तैयारी है एक अच्छी दिशा में जाती रहे और आप बहुत ही जल्दी से जल्दी अपना नंबर श्योर कर पाए, अपना नंबर लिस्ट में देख पाए, अपना नाम लिस्ट में देख पाए और अपने माँ बाप का सपना पूर्ण कर पाए और एक सरकारी गवर्नमेंट नौकरी आपके हाथ में होगी। तो सारी ही चीज़ें आसानी से समझ जाती हैं, आप भी जानते हैं, एक सरकारी नौकरी होने से 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर जो एक सरकारी नौकरी किसी घर में है, एक दीपक अगर जो किसी घर का जल जाता है, तो उसकी 3 पीढ़ियां आसानी से सुधर जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो, मेरा और मेरी टीम का जो उद्देश्य है, बस यही है कि हर भारत के हर एक घर में जो एक बहुत गरीब परिवार है, जिसके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है या वह नहीं कर सकता है खर्च, उस घर में बस दीपक जलाना है। यही मेरी टीम का और मेरा उद्देश्य है और मैं इसके पीछे अपनी जी जान लगा के काम करता रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, पेपर आपके पास में है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसको डिजाइन करा है और बहुत ही आसान तरीके से अब ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। और ये आपका पार्ट 1 है, अभी इसके ऊपर पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, जो कि आपका मगध के ही अंदर आता है। आपका नंद वंश का जो लास्ट जो हमने पढ़ा था, नंद वंश पढ़ा था, तो नंद वंश का जो आपका घनानंद हुए थे, घनानंद की हत्या करके आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इन्होंने आपका नंद वंश का अंत किया और आपका मौर्य वंश की आपकी स्थापना की है। तो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखेंगे आपका लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। केवल और केवल आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट्स में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज में नहीं होना है, ज्यादा चीजों को नहीं समझना है कि भाई कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करना है हम लोगों को, नहीं, बहुत आसानी से करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हर एक चीजें आसानी से समझ में आएंगी। और मैं आपसे ये और कहूंगा, जब आप पूरा मौर्य वंश को पढ़ लें तब आप ऑब्जेक्टिव लगा के देखें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मौर्य वंश से क्वेश्चन 100% मेरी ही क्लास के अंदर से आपको फंसेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखना, बहुत आसानी से मिलेगा। ठीक है, विश्वास करिएगा मेरी बात का, बहुत आसानी से। करते हैं स्टार्ट। देखो, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बात करते हैं सबसे पहले परिचय। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के परिचय के बारे में, अब इतिहासकार जो थे तो कुछ भारतीय स्रोत मिलते हैं और आपके कुछ विदेशी स्रोत मिलते हैं, तो इतिहासकारों के बड़े ही मतभेद हैं इन चीजों में, पर हमको इन चीजों पे नहीं जाना है, हमको बस ये देखना है कि हमारे एग्जाम में बन क्या रहा है। ठीक है, हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है, हमारे एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, हमसे गलत ना हो, हमको ये चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो भारतीय स्रोत के जो माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो इनसे बहुत छोटे छोटे जो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये अक्सर करके बच्चों पे गलत हो जाते हैं। किस कारण? कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं बुक से, बहुत लंबी रीडिंग करते हैं और बहुत बड़ी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज याद रहने वाली है। तो भारतीय स्रोत में आपका कहां कहां से मिलती है जानकारी, सबसे पहले मौर्य राजवंश का संस्थापक,
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मौर्य राजवंश के संस्थापक थे, मैंने आपको बताया, नंद वंश का अंत किया, नंद वंश के जो आपके अंतिम राजा हुए थे धनानंद की हत्या करके या इनको परास्त करके आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया था। अब यहां से समझेंगे, क्वेश्चन यदि आपसे बनता है, बनता नहीं, बनेगा 100% बनेगा, कि सर्वप्रथम सबसे पहले भारत को राजनीतिक रूप से एकीबंध किसने किया था, तो किसने किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक हुआ भारत के अंदर जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि पूरे भारत को मात्र 6 लाख की सेना लेकर, 6 लाख की सेना लेकर और पूरे भारत को रौंद फेंका इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन यदि बनता है आपका तो भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किसने किया, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बहुत ही आसानी से हर एक चीज को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलीन। अब यहां से समझेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपके बहुत ज्यादा मतभेद है इतिहासकारों को लेकर। इतिहासकार कहते हैं कि ये नंदराज का पुत्र था, कुलीन वंश से था, कुछ आपके इतिहासकार कहते हैं ये राजकुल से संबंधित था, कुछ कहते हैं ये शूद्र उत्पत्ति है और कुछ कहते हैं ये मयूर कोशक ग्राम की मुखिया की पुत्री का पुत्र था। बहुत से मतभेद है, आप इधर आप विदेशी स्रोतों में देखोगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपके लिए। और क्या पूछेगा आपसे कि किस पुस्तक में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए थे वो नंदराज पुत्र थे, किस ग्रंथ में लिखा है। तो आपका मुद्राक्ष, मुद्राक्ष जो आपकी विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा जो मुद्राक्ष लिखी गई है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र वृषल या कुलीन बोला गया है। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं बहुत ही आसानी से आपको समझ आ रही होंगी और अच्छी तरीके से समझ आया। विशाखा दत्त कृत के मुद्राक्ष के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलीन कहा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे की ओर, राजकुल से संबंधित, राजकुल से संबंधित किसने कहा है, महाबोधि, बोध वंश का महाबोधि जो आपका ग्रंथ है, महाबोधि वंश ग्रंथ में क्या मिलता है, राजकुल से संबंधित है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकुल से संबंधित है, ये बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश में मिलता है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं तीसरे की ओर, शूद्र उत्पत्ति ये कहां से मिलता है, ब्रह्मता कथा मंजरी तथा कथा सारी सागर के अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्पत्ति है वो किससे है, शूद्र से इसकी उत्पत्ति है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र, ये कहां से मिलती है हमें जानकारी, परिशिष्ट प्रवर्तन हेमचंद से मिलती है, यह हेमचंद द्वारा लिखी गई है और इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि यह किसका आपका मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये इतिहासकारों में कुछ मतभेद रहे हैं जो कि आपके बारी बारी से बताए गए हैं और हर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है कि किस में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा विस्तार किया अपना साम्राज्य, इतना बड़ा फैलाया, तो आखिर इसकी सीमाएं भी तो रही होंगी कि उत्तर में सीमा कहां थी, दक्षिण में सीमा कहां थी, पूर्व में कहां थी और पश्चिम में कहां थी। तो आइए देखते हैं कहां कहां थी।
तो अगला पॉइंट जो है विस्तार। तो जो सीमा का विस्तार किया था, तो उत्तर में हिमालय से, लेकर और दक्षिण में कहां तक, मैसूर कर्नाटक, आपका दक्षिण में तक इसका विस्तार था, और उत्तर में कहां तक, हिमालय तक विस्तार था। बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर और हिंदू कुश पर्वत तक लेकर इसका आपका पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार था। तो लगभग लगभग पूरे भारत में आपका मौर्य साम्राज्य स्थापित था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विदेशी स्रोतों से हमें क्या मिलता है। विदेशी स्रोतों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, इतने देसी आपके जो भारतीय स्रोत है इतने इन पे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन विदेशी स्रोतों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की उपाधि दी है। सैंड्रोकोटस के नाम से किसको बुलाया है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से बुलाया, किसने, विलियम जोन्स ने। आपको क्वेश्चन बनेगा कि पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सैंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। लेकिन थोड़ा आप एडवांस क्वेश्चन और डीप पूछने लगे एग्जामिनर, तो क्या पूछ सकता है कि आपका सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, लेकिन सैंड्रोकोटस किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो आपका विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस कहा था। आप आगे देखेंगे एलियन तथा लूप टार्क ने एंड्रोकोटस की उपाधि दी है। किसकी, एंड्रोकोटस, कंफ्यूज नहीं होना है, सैंड्रोकोटस विलियम जोन्स, एंड्रोकोटस एरियन तथा लूप टार्क कौन है, एंड्रोकोटस इन्होंने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, जस्टिन। तो जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का जो उल्लेख किया है वो किसने किया है, जस्टिन ने किया है। ये उल्लेख कि आपका सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की एक भेंट भी हुई थी, मतलब एक मुलाकात भी हुई थी, तो इसके बारे में जो जानकारी दी है किसने दी है, आपका जस्टिन ने दी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो जाता है, दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, इसकी जो जानकारी मिलती है वो तमिल ग्रंथ अहन्नारमूर और पुरानानूर में आपका ये सूचना मिलती है हमें, क्या कि दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसको जाता है, आपका चंद्रगुप्त मौर्य को। ये जितने भी आपके विलियम जोन्स, एरियन तथा लूप टार्क और जस्टिन, ये कहाँ के आपके इतिहासकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, ये रहे हैं आपके यूनान के ये लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था। जब सिकंदर महान ने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट किया था तो आपका पूर्व में कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। ये सेल्यूकस था कौन एक्चुअल में, जब आपका जब सिकंदर भारत में आया था, तो सिकंदर ने जब आपका भारत को जीता, लेकिन वो आपका झेलम नदी से ही आपका युद्ध करके वहीं से वापस फिर गया था, तो ये वहां पे आपका किसको छोड़ के गया था, सेल्यूकस को छोड़ के गया था। किसको, सेल्यूकस को छोड़ के गया था, और इसी सेल्यूकस को आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, सेल्यूकस निकेटर को, और इसी की पुत्री के साथ में अपना क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने, इस क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट क्लास में जो चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़े बहुत चीजें बची हैं वो लूंगा, और आपका बिंदुसार और आपका क्या नाम है अशोक, इनको एक क्लास में कवर करूंगा, और एक क्लास में आपका मौर्य प्रशासन, मौर्य कला को एक क्लास में मैं कवर करूंगा। दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।